हमेशा एक मोटिवेशन की बात होती है, बट मैं इस कॉमेडी में पिछले 30 साल से ज़्यादा हूँ एंड हम अभी भी भारत को एक अच्छे पर्यटन डेस्टिनेशन के हिसाब से नहीं दे पाए। हमारे पास साउथ इंडिया पूरा टूरिज्म डेस्टिनेशन की इतनी फैसिलिटीज़ हैं, बट हम अभी तक अपनी कंट्री को प्रमोट नहीं कर पाए, क्योंकि छोटी छोटी कंट्रीज जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम हमारे पड़ोसी देश करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम नए एवेन्यूज देखें, जैसे हमारे इंडिया में फिल्म टूरिज्म होती है, हमारे लोग जब बाहर जाके शूटिंग करते हैं और वो फिल्म रिलीज होती है, तो उसके बाद इस कंट्री का टूरिज़म जो है वो एकदम बढ़ जाता है। हिंदुस्तानी मैंने सोचा कि क्यों ना इंडिया को जितनी भी फिल्म शूटिंग्स हैं वो इंडिया में हो, हिंदी पिक्चर्स बाहर वाले इलाके आप जब मूवी रिलीज हो तो सारी दुनिया देखे कहीं हिंदुस्तान में हुए। इसी तरह गॉल्फ टूरिज्म है, थाईलैंड में हर साल तकरीबन 7 लाख टूरिस्ट आते हैं गॉल्फ खेलने के लिए, सिर्फ गॉल्फ के लिए। अगर हमें उसका 10% या 20% भी मिल जाए तो इट्स ए बिग अचीवमेंट। तो इस तरह वेडिंग टूरिज्म है, हम लोग बाहर जाते हैं शादियों के लिए, नहीं हम शाम में जाते हैं।